अच्छा ये बात उन बच्चों के लिए है जो अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 से 3 महीने रह गए और अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो आप, तो फिर कब होगे? क्या 11th आपने दोबारा करनी है? नहीं। क्या 12th आपने दोबारा करनी है? नहीं। तो यार ये आप लाइफ में यानी इस जन्म में एक लास्ट बार कर रहे हो ना, लास्ट बार 11th कर रहे हो, लास्ट बार 12th कर रहे हो, दोबारा नहीं कर रहे ना। जब आपने इस जन्म में इस लाइफ में ये चीज़ आखिरी बार कर रहे हो तो फिर 100% मेहनत क्यों डाल देते? अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ आखिरी बार कर रहे हो, अगर आपको बोली जाए यार ये चीज़ तू आखिरी बार कर रहा है, तो उस चीज़ में आप पूरी शिद्दत से करोगे ना, तो 11th 12th यानी इस चीज़ में क्यों नहीं शिद्दत से करें? ये आपको पूरी अब आने वाली लाइफ में कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी 11th 12th। आप फ्यूचर में सोचोगे यार बहुत ईजी पढ़ाई, जो 12th में बच्चे हैं उनको पता है कि यार 11th की बहुत ईजी थी पढ़ाई, लेकिन जब वो वही 12th के बच्चे 11th में थे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। जब वो 12th में हैं तो जब कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज में जाके सोचेंगे यार बहुत इजी थी 11th 12th, मैं आराम से 90-100% ला सकता था, बट तब आपके पास चांस नहीं होगा, चांस आपके पास अभी है। तो अगर यार आपको लाइफ में बस आखिरी बार मिली है 11th, आखिरी बार मिली है 12th, आप जिस भी क्लास में हो, ये सभी बच्चों के लिए, अगर आप जिस भी क्लास में हो आप वो क्लास आखिरी बार कर रहे हो ना, दोबारा नहीं करनी, तो पूरा 100% क्यों नहीं दे सकते अपनी लाइफ का उस चीज के लिए? सिर्फ 2 से 3 महीने ही आपने पढ़ना है वो चीज, मतलब वैसे तो पूरे साल पढ़ना है, अभी जो टाइम रह गया सिर्फ 2 से 3 महीने ही पढ़नी है, तो क्यों नहीं दे सकते? यार दे सकते हो। अगर आपका ड्रीम मान लो जॉब करना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो भी आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। आपको सक्सेसफुल आपने जॉब लेनी है तो जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करनी। आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। आपको नॉर्मल जॉब नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल जॉब के लिए बने ही नहीं हो। ड्रीम आपका है, टाइम आपका है, सोचना आपने, कोई और नहीं सोचेगा आपके लिए। अगर अभी, हाँ अभी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, इस टाइम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, फ्रेंड्स, घूमना, मूवी थिएटर जाना, मोबाइल चलाना, ये सब करना, बट जब रिजल्ट का दिन आता है, जब रिजल्ट का दिन आता है तो आप ही सोच रहे होते हो यार काश मेरे पास टाइम था। जनवरी में मान लो मैंने वीडियो अपलोड करी और आप वीडियो देख रहे हो, तो आप सोचोगे कि उस समय जब मैं वीडियो देख रहा था सर की, तो मेरे पास टाइम था, सर ने बताया था कि ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, मुझे टाइम मैनेज करना है, बट मैंने नहीं किया। तो वही बात है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये मुहावरा उसी के लिए। तो आपको तब नहीं पछताना यार, एक दिन रिजल्ट का दिन भी आएगा, तो आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे साल मेहनत नहीं करी कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप 3 महीने पढ़े हैं, 3 नहीं समझो 2 महीने पढ़े हैं, मार्च में तो एग्जाम स्टार्ट है, 2 महीने मतलब कि 60 दिन, 60 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप इतने घंटे आपके पास हैं, आराम से आप कर सकते हो अभी भी। तो कोशिश करो, कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछो, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ और सब अच्छे, और जब भी और जब रिजल्ट आए सारे के सारे खुश हों कि अच्छा आया है रिजल्ट, और पेरेंट्स भी खुश हों, ठीक है? तो आप भी चाहते हो कि पेरेंट्स के फेस पे स्माइल हो आपकी वजह से, तो फिर वेट किसी का कर रहे हो? मेक श्योर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर अब सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हैं, अगर आप सोच ली किसी और चीज़ में आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, तो थोड़े 2-3 महीने के लिए बंद कर दो, और क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। मान लो अगर आप 11th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो 12th में आप जा पाओगे, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि अच्छे मार्क्स आए, कि मेरे बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी है, और 12th में जो है आपको अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। क्यों? क्योंकि आपको आगे अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है, क्योंकि आपने कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट में देखा होगा कि 100% कट ऑफ लिस्ट, 100% जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं उनकी कट ऑफ लिस्ट आती है पहले, तो उसमें भी हजारों बच्चे होते हैं 100% वालों में, तो वो कट ऑफ लिस्ट आने के बाद आती है 99 पॉइंट समथिंग वाली, फिर 98 वाली। तो अगर आपके 80-85 है तो आपकी सोचो लिस्ट कब आएगी और आपका किस कॉलेज में नाम आएगा। तो मेक श्योर कि आपका 90+ मार्क्स हैं यार, 90, 99, 100, 98, 95 से 100 तक में हजारों बच्चे बैठे हैं, तो आपको भी उनमें शामिल होना है। आपको 70, 80, 85, 85 नंबरों में नहीं रहना है, तो अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी आप सबको। और हाँ, अगर आप फोन वगैरह यूज करते हो, टीवी देखते हो, गेम वगैरह करते हो, तो प्लीज़ ये 2 से 3 महीने जम के मेहनत कर लो, फिर आराम से मार्च के बाद आपके पास 2 महीने पड़े हैं, 11th वालों के लिए 2 महीने पड़े हैं, और 12th वालों के लिए 3 से 4 महीने पड़े हैं। आप उस समय मोबाइल्स वगैरह चला सकते हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप तब भी मत चलाओ, लाइफ एक बार मिली है, आपको
जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी ड्रीम को पूरा करना है, तो प्लीज़ उस चीज़ में लग जाओ। फ़ोन, टीवीज, मूवी थिएटर, घूमना दोस्तों के साथ, ये बाद में भी हो सकता है। कुछ लोग मेरी बात को मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। और बस ये है कि आप पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट आप मुझसे पूछो। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपको। अभी से टाइम क्या मैनेज करना है आपको, कोशिश करो सुबह जल्दी उठो। जो बच्चे लेट उठते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अगर सुबह आप जल्दी उठ सकते हो, अभी तो स्कूल चल रहे होंगे कुछ बच्चों के, अगर आप ऑफ ले सकते हो स्कूल से तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई, अगर मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप स्कूल से ऑफ ले सकते हो। सुबह जल्दी उठो, मान लो आप 7 बजे भी उठ रहे हो दिन में, चलेगा। मिनिमम 8 घंटे आप सो रहे हो, 4-5 बजे उठो तो बेस्ट है वो टाइम, उस समय बहुत जल्दी आप याद कर सकते हो चीज़ें। बट नहीं उठ रहे, चलेगा, सर्दियाँ चल रही हैं, आप 7 बजे उठ जाओ। 7 बजे उठने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, चलो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, इतना आप देखोगे भी नहीं, फिर टाइम भी बहुत सेव करना है और आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहो, मोटिवेट होते रहो और सोचते रहो कि आपको रिजल्ट वाले दिन अपने फेस पे और पेरेंट्स के फेस पे स्माइल लानी है बड़ी वाली, उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, बाय।